बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में बहुमत लाने वाली एनडीए जहां नई सरकार के गठन की तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन सरकार और चुनाव आयोग पर चुनाव परिणाम में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी क्रम में शुक्रवार को आरजेडी ने ट्वीट कर चुनाव आयोग और नीतीश सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, हार से दुखी होना एक बात है, अपने ही नियमों और प्रक्रियाओं की अनदेखी करने वाले चुनाव आयोग और उसे सेवाएं दे रहे नीतीश के चुने हुए प्रशासन के चापलूस और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा जैसे तैसे कर जबरदस्ती हरवा देने से पूरी तरह से असंतुष्ट व क्रुद्ध होना दूसरी बात है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के सभी नेताओं का मानना है कि लगभग 18 सीटों पर उन्हें मतगणना के दौरान लास्ट मोमेंट पर गड़बड़ी कर हरा दिया गया है। तो वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात भी दोहराई। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, इस बार के चुनाव में जो सही मुद्दा था, जो जनता का मुद्दा था, गरीबी, भुखमरी, रोजगार, नौकरी, इन सबको हमने चुनाव का मुद्दा बनाया। आज सब लोगों में आक्रोश है क्योंकि धन बल का प्रयोग कर छल किया गया है, लेकिन शक्तिशाली प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ने जोड़ भाग गुना सब प्रयोग किया, लेकिन 31 साल के नौजवान को हरा नहीं पाए। तेजस्वी ने कहा, हम धन्यवाद यात्रा निकालेंगे, हमारा मानना है कि जीत हमारी हुई है। पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक एजेंडा सेट किया है। सरकार में जो लोग धन छल से बैठ रहे हैं उनसे कहेंगे कि बस 4 दिन की चांदनी है, बिहार की जनता हमारे साथ है, अगर जनवरी तक शिक्षा रोजगार के मामले में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन भी करेंगे, ऐसा कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। तो वहीं तेजस्वी यादव ने इस बात के लिए कहा भी है कि उनकी हार से पार्टी असंतुष्ट है और उनके मुताबिक विधानसभा चुनाव में उनके पार्टी की जीत हुई है। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।